हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरुचि गर्ग आज फिर आ गई आपके सामने विद माय न्यू टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। तो ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान कब बना, कैसे बना, इसको बनने में किन किन लोगों का एफर्ट्स था और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ये टॉपिक हमारे लिए पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। लेकिन इसके पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूँ, आप सबको बता दूँ, आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल टेंशन ऑफ पढ़ाई में, टेंशन ऑफ पढ़ाई यानी कि TOP टॉप। तो ये जो स्टडी की जो टेंशन है, मैं आप सबको इससे बाहर निकाल करके TOP टॉप बनाने के लिए एफर्ट्स कर रही हूँ। तो मेरा वीडियो देखते देखते आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आई नो दैट, एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो। एंड वीडियो के अंदर जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, उन सब के आंसर कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को ये आंसर हमेशा याद रहेगा कि आपने क्या आंसर राइट किया था। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं आपसे पूछूंगी स्टूडेंट व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका रिप्लाई होगा भारत का संविधान। बट मेरा क्वेश्चन यही नहीं है, मैंने आपसे इसका लिटरली हिंदी मीनिंग नहीं पूछा है। माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपली क्या है, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रूल्स एंड लॉज ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री के सारे रूल्स एंड लॉज का कलेक्शन होता है, कंट्री के जितने भी रूल्स एंड लॉज होते हैं उन सबको, मतलब कंट्री में लोगों के रूल्स फॉलो करने, उन सबको एक बुक में प्रिस्क्राइब किया गया है। विच एस्टेब्लिश द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल, जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप सेटअप करते हैं। तो इट मीन्स टू पूरा अगर एक्सप्लेन करें तो कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के उन रूल्स एंड लॉस का कलेक्शन होता है जो कंट्री के पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप सेट करते हैं, कि कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गवर्नमेंट, उसको कंट्री में क्या क्या रूल्स बनाने का राइट है, कंट्री के लोगों के लिए क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या उसकी ड्यूटीज है। उसी तरह से पीपल के लिए, पीपल के भी क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज होती है, वह सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो यह है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्वेश्चन की डिफाइन अभी हमने पढ़ी है वो कितने टाइप का होता है, आपको पता है क्वेश्चन के टाइप कितने हैं? यस, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन टू टाइप्स का होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एज द नेम सजेस्ट, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन फॉर्म में होता है यानी कि लिखा हुआ होता है। तो इसके एग्जाम्पल है दो कंट्रीज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। इन दोनों ही कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में है। नाउ सेकेंड है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन मतलब इनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, बट ये यहाँ के लोगों को ऑलरेडी इम्प्लाइड होता है कि उनको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। उसका एग्जाम्पल है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। तो स्टूडेंट वापस रिपीट करेंगे एक बार, क्वेश्चन कितने टाइप होते हैं, दो टाइप, एक रिटर्न और एक दूसरा अनरिटर्न। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल कौन कौन से कंट्रीज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, और अनरिटर्न का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। अब हम स्टडी करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा टॉपिक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, आखिर ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, तो इन सब के बारे में। इट मीन्स टू से फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन तो कैसे हुई, अभी बनाने की नीड क्यों पड़ी, बिकॉज लॉजिकली बात क्या है कि इंडिया में सबसे पहले किसका राज था, सुना होगा आपने, प्रिंसली स्टेट यानी कि राजपूत रूलर्स, रजवाड़ों का राज था। उसके बाद आप लोगों को पता है भारत में मुगल आए, फिर उनके बाद में ब्रिटिशर्स आए, तो कभी भी रिटर्न वे में लॉ यानी कि कानून की नीड नहीं पड़ी। फिर धीरे धीरे जब रिवॉल्ट हुई थी, रिवॉल्ट के बाद धीरे धीरे बैक टू बैक भी रिवॉल्ट होती गई, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने सारे रिवॉल्यूशंस वगैरह, रिवॉल्ट वगैरह इन सब का जिक्र किया है। तो उसके बाद महात्मा गांधी ने डिमांड की थी सारे पब्लिक की तरफ से कि है ना, इंडिया का खुद का वो लॉ होना चाहिए जिसमें आप लोगों को इंटरफियर
ना हो। तो देखिए किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो फर्स्ट, इन 1922 महात्मा गांधी डिमांडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट फॉरेन इंटरफेरेंस, कि महात्मा गांधी ने डिमांड करी ब्रिटिशर्स से कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें ब्रिटिशर्स का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। द ब्रिटिश एक्सेप्टेड देयर डिमांड एंड सेंट कैबिनेट मिशन, ब्रिटिशर्स ने उनकी डिमांड को मान लिया और कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन क्या था? यह ब्रिटिश मिनिस्टर्स की एक टीम थी जो ये ऑब्जर्व करने आई थी कि क्या इंडिया में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन एडवोकेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कैबिनेट मिशन ने कहा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो बना सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसमें मेंबर्स होंगे और वो सारा डिसाइड करेंगे कौन कौन से होने चाहिए। नेक्स्ट, इन जुलाई 1946 इलेक्शंस वर हेल्ड टू इलेक्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कि 1946 में, जुलाई 1946 में इलेक्शंस हुए किनको इलेक्ट करने के लिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, जिनसे मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी। देन 296 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वर इलेक्टेड, जो टोटल मेंबर्स थे 296 तो इलेक्ट हुए और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट में से नॉमिनेट हुए, ये होंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई, वो मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। एंड इस मीटिंग के इंटरिम प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा। इंटरिम प्रेसिडेंट मतलब ये मीटिंग तो बुला ली लेकिन डिसाइड नहीं करा था कि मीटिंग का प्रेसिडेंट कौन होगा। अब मीटिंग बुला ली तो इमीडिएट डिसाइड करा ये कोई ना कोई प्रेसिडेंट तो होना चाहिए, तो उन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा को उस समय इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया। बट वो सिर्फ उस मीटिंग के लिए इंटरिम प्रेसिडेंट थे, लेकिन एक परमानेंट प्रेसिडेंट भी चाहिए तो सारी मीटिंग में वही प्रेसिडेंट होगा, तो डिसाइड करा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होंगे वो परमानेंट प्रेसिडेंट होंगे। और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट करा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द सेंस कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना रहे हैं हम, आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे किन किन ऑब्जेक्टिव किन किन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट, द असेंबली फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2 years 11 months and 18 days। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, इस असेंबली ने बार बार मीटिंग्स बुलाई, कभी कोई किसी बात को लेकर आ रहा है, कभी इसमें कोई बात ऐड हो रही है, कभी किसी बात को उसमें से हटा रहे हैं, तो ये सब बार बार मीटिंग्स बुलाना, नई नई बातें ऐड करना, पुरानी बात गलत बातों को हटाना, इन सब के चलते चलते मीटिंग्स होती गई। एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइम में बनके प्रिपेयर हुआ? 2 years 11 months 18 days। आप लोग ये बात ठीक से ध्यान रखिएगा, मैं आपको बाद में क्वेश्चंस पूछूंगी। नेक्स्ट, इट वाज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। ये कब पास हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। इट मीन्स उससे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था 26 नवंबर 1949 को और इन्फोर्स कब हुआ, मतलब पूरे देश में अप्लाई कब से हुआ? 26 जनवरी 1950। तो मेरा क्वेश्चन ये है, 26 जनवरी 1950 को हम लोग किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा। वैसे कमेंट बॉक्स में राइट करने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप राइट करेंगे तो आपको आंसर याद रहेगा और मुझे भी पता पड़ेगा कि आप लोग कितने अटेंटिव हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यूजुअली सबको पता नहीं होते हैं। फर्स्ट, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल कॉपी लिखी गई वो दो लैंग्वेजेस में लिखी गई, कौन कौन सी लैंग्वेजेस? हिंदी एंड इंग्लिश। एंड दीज आर केप्ट इन स्पेशल हीलियम फिल्ड केसेस इन द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपीज जो है वो इंडियन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में हीलियम फिल्ड केसेस ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे उसमें रखी गई है। एंड द इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 26 नवंबर एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, इंडियन गवर्नमेंट ने 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में डिक्लेयर किया है। एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया हमने? 26 नवंबर 2015। के बारे में कुछ खास बातें। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस पूछूंगी। यस, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। स्टूडेंट, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से राइट कीजिएगा। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट व्हेन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड, इसका भी आंसर जल्दी से राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपसे और भी क्वेश्चंस पूछूंगी, लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो फर्स्ट है द लेंथीएस्ट एंड रिटर्न, तो इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी इंडियन क्वेश्चन की, सेकंड प्रिम्बल, इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, इसके बारे में स्टडी हम लोगों ने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में बताई है मैंने आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, रिजिड एंड फ्लेक्सीबल, सिंगल सिटीजनशिप एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये 14 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हम डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेंथीएस्ट एंड रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। उसका एक रीजन ये है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स एंड यूनियन दोनों ही गवर्नमेंट की पावर एंड ड्यूटीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है, जबकि जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली एंड ओनली यूनियन गवर्नमेंट की पावर के बारे में लिखा है। हर स्टेट अपने रूल्स खुद बना सकता है, उनका पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ओरिजिनली जब भी बनाया था स्टार्टिंग में उस समय इसमें 395 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स में डिवाइडेड थे, लेकिन अभी इसमें काफी अमेंडमेंट्स हुए हैं, चेंजेस इसको बोलते हैं हम लोग, तो वो धीरे धीरे होते होते 448 आर्टिकल्स हो गए और जो 12 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है। तो ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लेंथीएस्ट और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिम्बल क्या होता है, कि प्रस्तावना। आप लोग निबंध तो लिखते ही होंगे, तो निबंध जो हिंदी में लिखते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट पैराग्राफ किसका होता है, प्रिम्बल यानी कि प्रस्तावना। देखिए प्रिम्बल इज द इंट्रोडक्शन एंड फॉरवर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कंटेन्स द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताता है हमें कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा है, एंड इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस सारी बातों का सारांश रूप में फर्स्ट पेज में लिखा है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज दे रखी है। नाउ सिंगल सिटीजनशिप, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है ओनली एंड ओनली हम इंडिया के सिटीजन ही हो सकते हैं, मतलब हम इंडिया के तो सिटीजन है। ओनली एंड ओनली का मतलब यह है कि जैसे यूएसए के अंदर वो एक तो यूएसए के सिटीजन तो होते ही, अमेरिकन तो होते ही, उसके अलावा भी यूएसए के जो अलग अलग स्टेट्स हैं जो उनके हिसाब से भी डिवाइडेड थे कि हम इस स्टेट की सिटीजनशिप मिले, हमें गुजरात में रहते थे हम गुजराती है तो हमको गुजरात की सिटीजनशिप भी मिलेगी अलग से, राजस्थान के राजस्थान की भी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। इंडिया में चाहे राजस्थान के हो गुजरात के हो आपको ओनली एंड ओनली एक की सिटीजनशिप मिलेगी। देखिए इसके अंदर अनलाइक फेडरेशन वेयर सिटीजंस एंजॉय ड्यूअल सिटीजनशिप ऑफ बोथ स्टेट एंड यूनियन, जहाँ पे फेडरेशन सिस्टम होता है वहां पर सिटीजंस को दो टाइप की सिटीजनशिप मिलती है, स्टेट्स एंड यूनियन, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फॉर्म में तो है लेकिन ये क्वासी फेडरल है, कंप्लीटली फेडरल फॉर्म में नहीं है। तो ये थी सिंगल सिटीजन। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेसी का वर्ड सुना ही होगा आपने, जैसे ही मैं पूछूंगी आप लोग को याद आ जाएगा, रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड by the people। देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मीन्स इंडिया इज गवर्न्ड बाय इट्स पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कि इंडिया जो गवर्न होता है किसके थ्रू गवर्न होता है, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पर गवर्न होता है, जो उनको इलेक्ट कौन करता है, कॉमन पीपल इलेक्ट करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर। तो आप लोग बताएंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, यस आप दे सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की कंट्री में 18 ईयर्स से अबाउ एज के जो भी पर्सन है उन सबको वोट कास्ट करने का राइट है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दिख रहा है आपको नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक भी हमारी यही है, तो हर सिटीजन को राइट होता है, हम लोग 18 इयर्स के हो गए हैं, चाहे वो बॉय है चाहे गर्ल है, चाहे उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है चाहे फेयर है, चाहे उसकी हाइट ज्यादा है कम है, वो रिच है पुअर है, सबको 18 इयर्स का होने पर ही वोट कास्ट का राइट है, ना तो इससे पहले और ना इससे बाद। ये आपका राइट भी है और आपकी ड्यूटी भी है कि आपको वोट कास्ट करना ही चाहिए। ऐसा जब भी इलेक्शन हमें हमेशा वोट कास्ट करना चाहिए, किसी डर से नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते, बिकॉज हम वोट कास्ट करेंगे तो हमेशा सही गवर्नमेंट आएगी। सही गवर्नमेंट आए या नहीं जरूरी नहीं, लेकिन हमने तो हमारे तरफ से कोशिश करी ना, तो हमें हमारी कोशिश जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट
फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन अपने प्रीवियस वीडियो में दिया था कि आखिर हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होते हैं। तो आप देखेंगे, आपको बताया था मैंने, ऑल सिटीजंस आर प्रोवाइडेड 6 फंडामेंटल राइट्स एंड 11 ड्यूटीज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमको इंडिया के एक कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर सिटीजन को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी है, जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आप मेरे प्रीवियस वीडियो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में देख सकते हैं। हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जुडिशियरी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कि कितने ऑर्गन्स हैं, तो कितने में बटा हुआ है। तो आप देखिए इसके अंदर, और उसके बाद हम लोग जुडिशियरी स्टडी करेंगे। द जुडिशियरी इज केप्ट फ्री फ्रॉम बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कि जुडिशियरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों से उसको सेपरेट रखा गया है। हर सिटीजन इक्वल है कानून के सामने, ऑल सिटीजंस में गेट जस्टिस एंड देयर राइट में भी प्रोटेक्टेड, कि हर सिटीजन इक्वल है, सबको जस्टिस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अमीरों को पहले मिलेगा, गरीबों को बाद में मिलेगा, हर सिटीजन इक्वल है। तो यह था इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। नाउ नेक्स्ट है इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग सोर्सेज से इंस्पिरेशन लेकर के बनाया गया है। बिकॉज हमें तो पहले पता ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे, हमने फर्स्ट टाइम बनाया था, तो जिन जिन कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था उनसे हम लोगों ने कुछ कुछ बातें सीखी है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की है। फर्स्ट हमने सीखी है किससे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। क्या बात सीखी है, फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये हमने वहां से सीखी, हमें अच्छी लगी, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करी। आपको पता है ना इंडियन कल्चर तो है, वो वैसे भी अडॉप्शन में काफी एक्सपर्ट है, हम सारी बातें लोगों की काफी जल्दी अपना लेते हैं। नाउ नेक्स्ट है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या अडॉप्ट करा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या प्रिंसिपल पॉलिसीज होती है, क्या क्या ड्यूटीज होती है उनकी पब्लिक के लिए, वो हमने किससे सीखा है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, कि स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है गवर्नमेंट का, लोकसभा और राज्यसभा, वो हमने कहाँ से सीखा है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका मतलब हमने अलग अलग कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के बहुत सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की है। हमें जिस जिसकी जिसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छी बात लगी वो हमने इंक्लूड कर ली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या था, आप लोगों ने सुना तो होगा इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर कंट्री, बट क्या होता है सेक्युलरिज्म, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस द स्टेट विल प्रोटेक्ट ऑल रिलीजियंस इक्वली। सेक्युलरिज्म का लिटरली मीनिंग होता है धर्म निरपेक्ष, कि स्टेट का, इंडिया का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राजस्थान का, पंजाब का, गुजरात का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, वो हर रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे। अभी आप मुझे बताइए, क्या राजस्थान में कोई पंजाबी नहीं रहता है, क्या राजस्थान में कोई गुजराती नहीं रहता है, कोई मराठी नहीं रहता है, रहते हैं ना हर कास्ट के लोग, तो सब लोग इक्वल है। ठीक है हम लोग मतलब सेटल हो गए कहीं पर पर्टिकुलर, हमने उसके हिसाब से मतलब जहां पर ज्यादा लोग जो थे उनके हिसाब से उस स्टेट का नाम रख दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरे स्टेट में नहीं रह सकते, हर रिलीजन इक्वल है। द सिटीजंस ऑफ इंडिया आर टू फॉलो एनी रिलीजन एज पर देयर पर्सनल बिलीफ, इंडिया के हर सिटीजन को राइट है अपने पर्सनल बिलीफ के हिसाब से किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये था सेक्युलरिज्म, कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, हम सबको किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का राइट है। नेक्स्ट है सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या होता है, आपको बोलते हैं सोशल होना, लोगों से घुलना मिलना, तो इन सब के बारे में दे रखा है कि क्या होता है सोशलिज्म। तो एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग क्रीड, कास्ट, जेंडर एंड मनी विल नॉट बी डन विद एनी इंडियन सिटीजन, कि इंडिया में किसी भी सिटीजन के साथ में किसी भी टाइप की कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी भी क्रीड, कास्ट, जेंडर एंड मनी, मतलब किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय को बिलोंग करता हो, उसका जेंडर कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, या मनी यानी कि वो ज्यादा अमीर है, रिच है, पुअर है, इन सब बातों को लेकर उसके साथ में कोई किसी के साथ में पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। Only some protective provision. अब जैसे कि आप लोग मुझे यूजुअली बोलते हैं कि मैं फिर गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दे रखा है, कोटा सिस्टम दे रखा है, उनको हमसे आगे कर देते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए बिकॉज़ वो हमसे बैकवर्ड है, उसको आगे लाने के लिए ये चीज की गई है, तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए बैकवर्ड लोगों को आगे लाने के लिए। तो ये था हमारा दो टॉपिक, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल
होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मींस होता है द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टरी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल से मुझे कुछ याद आया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से इसको अडॉप्ट किया था। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। यस, द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू कीप पब्लिक वेलफेयर इन माइंड वाइल फॉर्मिंग लॉज एंड पॉलिसीज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट्स। कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो होते हैं जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन सबको डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो भी रूल्स पॉलिसीज बनाएंगे उसमें ध्यान रखें स्पेशली पब्लिक का वेलफेयर, यानी कि भला होना चाहिए। आपकी किसी भी पॉलिसीज से पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। इंडिया में जो भी स्टेट्स है वो सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मेरा भाई अगेन क्वेश्चन है कि फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। चलिए देखते हैं अब इसके बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करा, हम यही फॉलो करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है, यानी जो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स है, जिसके क्वेश्चन मैंने आपको पहले पूछा था कौन कौन से ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या काम करता है? टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट लॉज। एंड जुडिशरी टू पनिश द डिफॉल्टर्स हु डज नॉट फॉलो द लॉ। जो तीनों जो होते हैं तो उसमें एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टुवर्ड द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ने जो कानून बनवाया है उसको एग्जीक्यूटिव फॉलो करवाता है। एंड प्रेजिडेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, पर एक्चुअल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आप लोगों को पता होगा कि हमारे कंट्री का प्रेजिडेंट कौन है, ये वाली बात किसी को नहीं पता होती। अक्सर बच्चे गलत नाम बोल देते हैं और वो नाम किसका बोलते हैं जो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है। चलिए आप भी बता दीजिए कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है और कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन। जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, मैं आपके आंसर का वेट करूंगी। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबल। देखिए इसके अंदर रिजिड का मतलब क्या होता है, मतलब काफी टफ है कि इतना इजीली चेंजेस नहीं होंगे, और फ्लेक्सिबल मतलब इतना भी टफ नहीं है, अगर हमें लगेगा तो हम चेंजेस कर देंगे, तो अमेंडमेंट इजी नहीं है। तो कौन कौन से कंट्रीज का क्वेश्चन, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की तरह इतना रिजिड नहीं है, बट इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं ब्रिटिश क्वेश्चन की तरह कि जब चाह हमने चेंज कर दिया। सम पार्ट हमारे क्वेश्चन में चेंजेस हो सकते हैं लेकिन वो कुछ रूल्स को फॉलो करके। सम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड विद सिंपल मेजोरिटी। कुछ पार्ट्स को हम लोग इजीली अमेंड कर देते हैं, तो सम कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी। अब आपका क्वेश्चन आएगा, मैम व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? तो स्पेशल मेजोरिटी होती है जिसमें जब आपसे परमिशन ली जाए कि स्टूडेंट बताइए या यस या नो में आंसर दीजिए कि हम ये काम करें या ना करें। तो जब आपने सपोज आप लोग 10 मेंबर्स हैं तो इसमें 2/3 मेंबर से ज्यादा की यस में होना चाहिए, वो होती है स्पेशल मेजोरिटी। नाउ नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल फॉर्म में है, आपको पीछे बता रही थी। हमारा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन फेडरल रहता है, बाकी पूरा 100% हम लोग फेडरल फॉलो नहीं करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, वो हम लोग फॉलो कर मतलब 100% नहीं करते हैं, वैसा ही रहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? सारे स्टेट्स की एक यूनियन है। नो स्टेट हैज द राइट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द यूनियन। को मैंने पीछे ही बताया था कि किसी भी स्टेट को ये राइट नहीं है कि अपनी यूनियन से सेपरेट। ऐसे राजस्थान वाले बोल दें कि हमारा तो राजस्थान है, हम किसी इंडिया को नहीं जानते, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सबको साथ में एक यूनियन यानी कि ग्रुप बन करके रहना ही पड़ेगा। नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स एज ए फेडरल बट ड्यूरिंग इमरजेंसी इट बिकम यूनिटरी। नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फॉर्म में रहता है, मतलब हर स्टेट को राइट है अपने रूल्स बनाने का, लेकिन जब प्रॉब्लम होती है इमरजेंसी का टाइम तो यूनिटरी बन जाता है, मतलब पावर चीफ मिनिस्टर के हाथ से निकल के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आ जाती है, तो वो होता है यूनिटरी फॉर्म में। द फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर होते हैं वो कैसे पता पड़ता है हमारा क्वेश्चन फेडरल है या नहीं है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न फॉर्म में होता है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होता है। डिविजन ऑफ
पावर कि पावर जो है वो दो ग्रुप में बटी हुई होती है एंड बाय कैमरल लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर दो हाउस में होता है लोकसभा एंड राज्यसभा यूनिकैमरल एंड बाई कैमरल जैसे दो टाइप का होता था हमारा बाई कैमरल जहाँ पर दो हाउसेस हैं ओके तो ये फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम और एग्जाम में फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के ऊपर भी बेस्ट एक क्वेश्चन आता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक्स अलॉट एंड लास्ट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.